दोस्तों, वेलकम टू हेमंत की रसोई। हेमंत की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज हम बनाएंगे आम्रखंड, जिसे आप मैंगो श्रीखंड भी कह सकते हैं। श्रीखंड में मैंगो का फ्लेवर बहुत अच्छा स्वाद देता है। गुजरात और महाराष्ट्र में ये डिश बहुत ज्यादा फेमस है। गर्मा गर्म पूरी के साथ इसे सर्व किया जाता है। खाने के बाद इसे आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छा स्वाद देगा। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमें आम श्रीखंड कैसे बनाना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए हम शुरू करते हैं। आम्रखंड बनाने के लिए हमें दही की चक्की की जरूरत होगी। इसके लिए हम एक बोल ले लेंगे, इसमें मसलन का क्लॉथ बिछा देंगे। यहाँ पर हमें मसलन का क्लॉथ ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि रिजल्ट इससे ही अच्छे मिलेंगे। अब इसमें हम सारा दही पलटा देंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो फ्रेश दही लिया है, ये बिल्कुल मीठा दही है, खट्टा दही का इस्तेमाल ना करें। अब हम मसलन के क्लॉथ को चारों तरफ से अच्छे से उठा लेंगे, ताकि दही कहीं से भी गिरे ना, और इसका सारा पानी हम निकाल देंगे। अब इसे हम एक जगह पर टांग देंगे, ताकि इसमें से सारा पानी बाहर निकल जाए। कम से कम इसे 4 घंटे के लिए टांगिए। तो ये देखिए दोस्तों, दही का चक्का बनकर रेडी है। इसमें से सारा पानी निकल गया है, बिल्कुल गाढ़ा दही हो गया ये। अब इसमें हम डालेंगे शक्कर। यहाँ मैंने पाउडर्ड शुगर लिया है, ये नॉर्मल शुगर को मैंने मिक्सी में थोड़ा सा पीस लिया है, ताकि ये जल्दी से इसमें इजिली मिक्स हो जाए। यहाँ मैंने 7 चम्मच शुगर लिए, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, दही में शक्कर बहुत अच्छे से मिल गई है, एकदम मिक्स हो गई इसमें। अब इसमें हम डालेंगे आम का रस। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के आम का रस लिया है, और साथ में डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। अब इसे भी हम बहुत अच्छे से और बहुत आराम से मिक्स कर देंगे। शुगर आप यहाँ पे टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि शुगर कम है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर और मिला सकते हैं। इसे भी हमें बहुत अच्छे से मिला लेना है। आम के रस को भी हमने दही में अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पर आपका आम्रखंड बनकर कंप्लीट होता है। इसे आप अपने इच्छा अनुसार ड्राई फ्रूट से गार्निश करिए। मैं यहाँ पर बादाम और पिस्ता का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन्हें भी आप इसमें अच्छे से मिला दीजिए। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचा लीजिएगा ऊपर से गार्निश करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आम्रखंड बनकर बिल्कुल कंप्लीट है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में आप बहुत अच्छा आम्रखंड घर में ही बना सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखा दोस्तों आपने, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत कम समय में हम बहुत टेस्टी आम्रखंड घर में ही बना सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो करिए और अपने घर में आम श्रीखंड बनाइए। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक करना फ्री है दोस्तों, लाइक कर दीजिए।